हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया के सबसे फास्ट बॉडी बिल्डिंग अपडेट चैनल दी बॉडी बिल्डिंग क्लब में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मनोज पाटिल और अली बिलाल के बारे में। आपको बता दें कि ये दोनों कंप्लीट करेंगे इंडिया में होने वाले मुंबई प्रो शो में। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनकी करंट बॉडी कंडीशन के बारे में। आप देख सकते हैं कि अली बिलाल इस वक्त अपने प्रेप टाइम पर हैं, जिसके कारण उनकी बॉडी फुल कंडीशन में है और इनकी बॉडी में हार्डनेस भी है। और बात करें मनोज पाटिल की, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मनोज पाटिल की बॉडी अभी गेनिंग फेस में है और वो अभी अपनी बॉडी में फुल मसल मास ऐड कर रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कि मनोज पाटिल ने अपनी चेस्ट एवं मिड सेक्शन पर बहुत ही ज़्यादा काम किया है। और बात करें अली बिलाल के मिड सेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें कि उनकी बॉडी में सबसे बेस्ट पार्ट उनका मिड सेक्शन है, जो कि अली बिलाल को एक बहुत ही प्रो एथलीट बनाएगा। मनोज पाटिल इंडिया के मेंस फिजिक कैटेगरी के बहुत ही खतरनाक बॉडी बिल्डर हैं, पर मनोज पाटिल की बॉडी में वो हार्डनेस नहीं आ रही है जो स्टेज पर चाहिए। तो देखते हैं मनोज पाटिल और अली बिलाल कैसी फिजिक लेकर आते हैं अपनी मुंबई प्रो शो में। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा विनर बने और आपका सबसे फेवरेट बॉडी बिल्डर कौन है मेंस फिजिक कैटेगरी में, आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों, हमारी दूसरी अपडेट आई है भुवन चौहान की तरफ से। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये भी कंप्लीट करेंगे इंडिया में होने वाले मुंबई प्रो शो। तो दोस्तों, आप इनकी करंट बॉडी कंडीशन देख सकते हो, इन्होंने अपनी बॉडी में फुल साइज गेन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इनकी चेस्ट कितनी फुलर दिखाई दे रही है और शोल्डर में फाइबर कितनी अच्छी तरीके से विजिबल हो रहा है और इनकी चेस्ट शोल्डर एंड बाइसेप्स का सेपरेशन कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा कि अली बिलाल टक्कर देने वाले मुंबई प्रो शो में भुवन चौहान को। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना और आपको भुवन चौहान की बॉडी कैसी लगी। तो दोस्तों, हमारी लास्ट अपडेट है जीजो जोन की तरफ से। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये कंप्लीट करेंगे एमेचर ओलंपिया में और आप इनकी करंट बॉडी कंडीशन देख सकते हो, ये अपने सिक्स पैक एवं मिड सेक्शन वाले एरिया को ट्रेन कर रहे हैं। आपको बता दें कि अगर आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हो तो आपके ये एक्सरसाइज लोअर एब्स पर फोकस करती है और आप इस एक्सरसाइज के 3 या 4 सेट लगा सकते हो, जिसमें 15, 10 और 12 रेपिटेशन होंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनकी करंट बॉडी कंडीशन की। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी बैक में कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है एवं शोल्डर एंड चेस्ट में फाइबर नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।